हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अमेजिंग कुकिंग चैनल में, जिसमें आज मैं बना रही हूँ मेथी साग। सर्दियों में मेथी साग बाज़ार में भारी मात्रा में पाई जाती है, पर यह साग थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए लोग इसे डायरेक्ट साग बनाकर खाना कम पसंद करते हैं। पर आज मैं मेथी साग आपको ऐसे बनाकर दिखाऊंगी जिससे मेथी साग की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैंने आधा किलो मेथी साग लिया है, जिससे मैंने सिर्फ पत्ते निकाल लिए हैं और मैं इन्हें पानी में अच्छी तरह से धो ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, कटे हुए आलू और बैंगन। अब मैं कढ़ाई में सरसों तेल डालकर उसमें हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और उसमें प्याज दे रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी और जब ये प्याज लाल हो जाएंगे तब मैं इसमें आलू और बैंगन एक साथ डाल। मेथी साग खाना सबके लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। मुझे पर्सनली इस तरह से मेथी साग बनाकर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं चावल के साथ, रोटी के साथ, सभी के साथ मेथी साग बहुत पसंद करती हूँ। अब मैं इसमें दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी और फिर से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब आलू और बैंगन थोड़े से लाल हो जाएंगे तब मैं इसमें सारे मेथी साग के पत्ते डाल दूँगी और इसे ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। ये जो कढ़ाई भर के पत्ते दिख रहे हैं ये पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से मेथी साग इस तरह से बनाकर देखें, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। आप देख सकते हैं मेथी साग सूखकर कितनी थोड़ी सी हो गई है और इसमें थोड़ा सा पानी निकल रहा है जो अभी बिल्कुल से ड्राई हो जाएगी। जब ये सारा पानी सूख जाएगा तब ये मेथी साग का कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मेथी साग में आयरन के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये सारे गुण पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में कई लोग डाइजेशन की समस्या से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मेथी साग बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये ना ही सिर्फ डाइजेशन और डायबिटीज़ में मदद करता है बल्कि ये हेल्दी और ग्लोइंग स्किन भी देता है और इससे बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इतने सारे गुणों वाले मेथी साग को कैसे हम ना खाएं? तो ये देखिए, हमारी मेथी साग बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा धनिया, जीरा और मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ और फिर से इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ आपको और भी नई सही सारी हेल्दी डिशेस दिखाने के लिए। मेथी साग तो पक गई है लेकिन मैं इसे भूनकर और भी ज़्यादा ड्राई कर देती हूँ, बिल्कुल भाजी की तरह, जिससे ये और भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ तक मेरा साथ बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।